क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़े बड़े कुछ खबरें मिलने वाली है। दोस्तों आइए इस वीडियो को बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय बजरंगबली महाराज जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा बजरंगबली महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को और पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाड़ी नैतिक ज्ञान के बारे में। चाणकी जी कहते हैं कि बड़े से बड़े सपने को पूरा करने के लिए ध्यान में रखें, बस एक चीज मिलेगी सफलता। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक को नीति शास्त्र का मान ज्ञाता माना जाता है। चाणकी जी ने अपनी नीति में इंसान के जीवन को लेकर कई नीतियों का उल्लेख किया है। इनकी नीतियां और विचार आपको थोड़े कठोर लगे लेकिन कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों आज चाणकी इन विचारों में से आयाम एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आज के इस विचार में जानिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे ध्यान में रखकर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगे तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना हमेशा मुश्किल रहेगा। आज चाणक ने अपने इस कथन में हिम्मत का जिक्र किया है। चाणक जी कहते हैं कि इंसान को जीवन में कभी भी साहस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो सभी का साहस के साथ सामना करना चाहिए। यदि व्यक्ति मुश्किलों का सामना साहस के साथ करता है तो उसे कभी भी हार नहीं माननी पड़ेगी। हालांकि जो इंसान एक बार साहस का साथ छोड़ देते हैं उन्हें जीतना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आएगा चाणक नैतिक ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 2। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि वाले के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले आज आपको आराम करने और करीबी दोस्तों परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है। जो लोग अब तक पैसे को बेवजह खर्च कर रहे थे उन्हें आज समझ में आ सकता है पैसे की जीवन में कितनी अहमियत है, क्योंकि आज अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है और आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों परिवार के साथ समय बिताएं, आप जहां वहीं रहेंगे, बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोग में ले जाएगा। साथ ही आज आप रोमानी सफर पर भी जा सकते हैं। किसी भी खर्चीले काम या योजना में हाथ डालने से पहले ठीक से सोच विचार अवश्य कर लें। छात्र छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें, ऐसा करना आपके लिए हितकारी है। आपका जीवन साथी किसी खूबसूरत सरप्राइज से आपका दिन बना सकता है, आपकी खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हुई नजर आएंगी, इसके लिए आप प्रयत्न भी उसी दिशा में करते रहेंगे। मित्रों के साथ थोड़ी दूरियां बनाए रखना फिलहाल के लिए जरूरी होगा। आपका मन अन्य लोगों की वजह से बार बार भटकता रहता है। कार्यस्थल पर जिन लोगों को आप सहज और आसान समय रहते उनमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सहयोगियों तथा कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखें, कुछ नए अनुबंध मिलेंगे। सरकारी नौकरी पैसा लोग अपने काम सफलता से पूरे करते जाएंगे। काम काज के साथ साथ घर परिवार के साथ भी कुछ समय व्यतीत करें, कुछ समय मौज मस्ती मनोरंजन के लिए भी जरूर निकालें। कन्या राशि वाले आय ब्याज काम करने वालों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। यात्रा प्रदान जॉब करने वालों को लाभ मिल सकता है। बेकार के प्रेम संबंधों से दूर रहना ही आपके लिए ठीक रहेगा। अपने आहार में देसी चीजों का सेवन करें, कफ और खांसी की समस्या की वजह से परेशान थोड़ी बहुत रह सकते हैं। रियल एस्टेट्स में जो लोग निवेश करना चाहते हैं या रियल एस्टेट संबंधी व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सही वक्त है। कन्या राशि वाले असंतान पक्ष से स्वास्थ्य तथा अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी। नई योजनाएं बनेंगी, तत्काल लाभ नहीं मिलेगा। कार्य शैली में परिवर्तन करना पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा। शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड मन अनुकूल लाभ देते रहेंगे। दोस्तों आज मानसिक शांति के लिए आपकी खाली बैठने की आदत खतरनाक साबित हो सकती है, सावधान रहें। जीवन साथी के साथ आप बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंधों में उतावलापन आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। आज आपका धन कहीं रुका हुआ है तो मिल सकता है। आयात निर्यात से संबंधित कार्यों में कोई महत्वपूर्ण डील संपन्न हो सकती है। ऑफिस में महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टालने पड़ सकते हैं। पुराने समय में आपने किसी को जो मदद की होगी वह अचानक आपके काम आ सकती है। आपको पेट के निचले हिस्से से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आवश्यक हो तो तत्काल चिकित्सा सहायता अवश्य प्राप्त कर लें। आज सुनिश्चित करें कि आप यात्रा में अपना ख्याल रख रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। व्यापार या नौकरी में लाभ होगा। आय वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। पूर्ण लाभदायक मिलेगा। यदि कोई नया कारोबार पार्टनरशिप में करने का प्लान बना रहे हैं तो उचित रहेगा। कोई महत्वपूर्ण व्यवसायिक अनुबंध आपके पक्ष में फाइनल हो सकता है। मित्रों और परिजनों से आत्मीय प्रगाढ़ होगी। किसी मुश्किल का हल निकलने वाला है। दोस्तों आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। घर परिवार से सहयोग मिलता चला जाएगा। समय अनुकूल है। मन में चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलेगा
और आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। शांति की चाह में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार बना सकते हैं। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई व करियर पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मौज मस्ती में समय बर्बाद न करें। किसी भी बातचीत के दौरान सावधान रहें कि कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधी को खराब न कर सकती है। राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध के मामले में ये दिन मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव प्रेम भाव है और पंचम भाव में दिन के उत्तरार्ध में शनि के साथ मंगल की युति रहेगी। इसकी वजह से लव लाइफ में तनाव का आना तय है। लव मेट के बीच मतभेद हो सकता है। साथी को लेकर मन में गलतफहमी पैदा होगी। अहम का भी टकराव हो सकता है और लंबा मनोटाव चल सकता है। पुराने प्रेम संबंध में भावात्मक चोट लगने से दूरियां हो सकती हैं। कई जातकों के मामले में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अपने साथी की अहमियत समझें और उस पर भरोसा बनाए रखें। उसके सामने अपने मन की बात खुलकर रखें ताकि किसी शक की गुंजाइश ना रहे। आप अपनी वाक्पटुता और बोली की मिठास से साथी का दिल जीत सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में शनि के छठे भाव में गोचर बृहस्पति के सप्तम भाव में जाने से आपके लिए परिस्थिति अनुकूल होने वाली है। लव लाइफ में सुधार देखने को मिल जाएगा। एक दूसरे के प्रति मन साफ होगा और जिंदगी में प्यार की मिठास घुल जाएगी। लव मेट एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कई लव मेट इस दौरान विवाह का निर्णय कर सकते हैं। अगर पहले विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो इसे दूर कर सकते हैं। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख में रहेगा। पति जीवन साथी एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरे रहेंगे और सभी कार्यों में एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे। तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आए मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो बजरंगबली महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।